लगे कि ये मजबूत चीज है, ये अच्छी चीज है, ये हमें कराना चाहिए। उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हो आपके बारे में, या तो कुछ ना कुछ लिखा हो प्लान के बारे में, या तो कुछ ना कुछ उसके फायदे लिखे हो। आपको यदि चाहिए तो मेरे पास ढेर सारे पर्चे अवेलेबल है। मेरे पास 53 तरीके के, 53 57 57 तरीके के, 57 तरीके के अलग अलग लीफलेट अवेलेबल है। आपको यदि चाहिए आप उसके ऊपर अपना स्टैंप लगा सकते हैं, फोन नंबर एड्रेस आप नाम लिख सकते हैं, लिखकर आप लोगों को दे सकते हैं। विजिटिंग कार्ड बांटने से भी रिस्पॉन्स आ सकता है, लाइक पर्चे बांटने से रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि पर्चे के अंदर क्या होता है, बड़ा होता है, उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से बताया गया होता है, ज्यादा अच्छे तरीके से उसके बारे में कुछ फायदे लिखे होते हैं प्रोडक्ट के बारे में। विजिटिंग कार्ड पर प्रोडक्ट के फायदे आमतौर पर नहीं लिखे होते। जी सर, सुबह थैंक यू। शाम कल आपने टोटल कितने विजिटिंग कार्ड बांटे? नहीं, कल तो सर मैंने कोई भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप घर से लेकर यहाँ तक आए, रास्ते में ढेर सारे लोग आपको नजर आए होंगे। इन सभी लोगों को जी किसी न सर, किसी को हम इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं, कार्ड बांट सकते हैं। आपने 3 लोगों को कार्ड बांटे थे, मुझे 3 लोगों का ये चीज देखकर अच्छा लगा। बात शुरू करने के लिए एक अच्छा तरीका है, लेकिन बात शुरू करने के बाद बात खत्म नहीं होनी चाहिए। उस समय हम जल्दी में थे तो इस वजह से मैं रुका नहीं वहां पर, अदरवाइज मैं रुक के वहां पर उस समय उसको कंप्लीट कर लेता। लेकिन बात तो शुरू आपने करी, बहुत अच्छा किया। आपने कहा कि कोई सर्विसिंग का काम है तो बताइएगा, लेकिन वो बात खत्म हो गई। हमें बात खत्म नहीं करनी, हमें उस बात को कंटिन्यू करना है। क्या हो रहा है कि उस आदमी को हम दोबारा मिल नहीं रहे। दोबारा जा सकते हैं, लेकिन हाँ, दोबारा जाने का हमें डिस्टेंस लगेगा, टाइम लगेगा, इतना लंबा जाना पड़ेगा। इसी वजह से नजदीक के लोगों को संपर्क करना, बातचीत करना वो ज्यादा अच्छा रहता है। हम अपने आजू बाजू के घर से निकले, रास्ते में हमें जितने भी पैसे वाले लोग नजर आए, शक्ल सूरत से हमको लग रहा है पैसे वाले लोग हैं, विजिटिंग कार्ड लिया बांट दिया, या तो लीफलेट लिया बांट दिया। बांटते वक्त हमें कुछ ना कुछ बोलना जरूर है, क्योंकि यदि हम बोलेंगे नहीं ना तो उसका नतीजा क्या होगा, वो विजिटिंग कार्ड या तो पर्चा या तो जो लीफलेट है पैम्फलेट है वो कूड़े में जाएगा, वो तुरंत उसको कूड़े में फेंकने वाला है। तो हमें स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोलना है कि वो उसको कूड़े में ना फेंके, ठीक है ना। तो हमें ऐसा कुछ बोलना है, वैसा ये ना, मैं आपको 20 लाख रुपए देना चाहता हूँ, यदि आप सिर्फ 100 रुपए रोज बचाएंगे तो, या तो उस पर्चे के ऊपर ऐसे कई सारे सवाल लिखे हों कि जो बात मैंने आपको बताई है, इस टाइप के कई सारे डायलॉग लिखे हों, आपकी बिटिया की शादी में हम 20 लाख रुपए देना चाहते हैं यदि आप 100 रुपए रोज बचाना शुरू करें, मैं आपको 50 लाख रुपए देना चाहता हूँ यदि आप 50 रुपए रोज बचाना शुरू करें तो, ऐसा करके उसके अंदर ढेर सारे अलग 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 ऐसे वाली बातें ढेर सारी लिखी हों, तो उसका फायदा ये होगा कि आपको बात की शुरुआत हो जाएगी। बाकी आपकी शुरुआत हो गई तो उसके बाद खत्म तो कर ही सकते हैं। जी सर, और इसके अलावा क्या प्रोग्रेस? बाकी साथी बता सकते हैं उनको प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। अच्छा जी, आप बताना चाहेंगे या तो अजय आप बताना चाहेंगे, अजय गुड मॉर्निंग, और कोई साथी बताना चाहेंगे, रविराज किशोर जी गुड मॉर्निंग, तो कोई भी साथी इधर बताना चाहेंगे आपको प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, ऐसा कुछ आप किसी से बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। रोजाना विजिटिंग कार्ड बांटना जरूरी है, ये हमें हरिराम जी से सीखना चाहिए। रोजाना लीफलेट बांटना जरूरी है, ये हमें सीखना चाहिए। हम चाहे जिस मर्जी को बांटें और लीफलेट बांट के और विजिटिंग कार्ड बांट के, कुछ ना कुछ हमें ऐसा सेंटेंस, ऐसा कोई ना कोई बात बोलनी जरूरी है कि वो उसको कूड़े में ना फेंके, वो उसको देखे और बात आगे बढ़े और हमारा सेव हो। तो आपने सबको बताना चाहेंगे कल की एक्टिविटी के बारे में, कल का आपका एक्टिविटी क्या रहा? साल खत्म होने वाला है, आज 28 तारीख हो गई है, 31 को साल खत्म हो जाएगा, 31 को साल का आखिरी दिन है। आजकल के दिनों में लोग टैक्सेशन के लिए भी बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाते हैं। सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का रिबेट अवेलेबल है, आप 1.5 लाख रुपए तक के रिबेट के लिए लोगों को कॉन्टेक्ट करेंगे तो आप इस टॉपिक पे बात कर पाएंगे। हमारा जितना बढ़िया संपर्क होएगा, हमारे जितने ज्यादा लोगों से बातचीत होएगा, तो हम उतना ज्यादा बढ़िया तरीके से लोगों से बात कर पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से हम लोगों को इसके बारे में डिस्कशन, हमारा बात होएगा तभी तो सेल होएगा, जब हमारा बात ही नहीं होगा तो हमारा सेल कहाँ से होएगा। सो साल खत्म होते होते आप सभी लोगों से बात कर लीजिए, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों से, पुराने जितने भी कस्टमर हैं उनसे भी बात कर लीजिए। क्लब मेंबर बनना जरूर है, क्लब मेंबर बनने के लिए, ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर बनने के लिए भी कम से कम 15 लाइफ जरूरी है। यदि आपकी टोटल 150 लाइफ हो चुकी है इन्फोर्स, तो यदि आपकी टोटल इन्फोर्स 150 लाइफ नहीं है, 150 लाइफ नहीं है,
तो कम से कम 50 लाइव हिस्सा लोग जरूरी हैं और 150 तो हमको करनी ही करनी है, तो क्लब मेंबर जरूर बनिए। और एमडीआरटी चलो मान लिया कि आप फुल एमडीआरटी 7,24,000 फर्स्ट कमीशन में भरना यदि आपको डिफिकल्ट लगता है, आप एमडीआरटी के लिए कोशिश कर सकते हैं। 7,24,000 नहीं तो ठीक है 3,80,000, चौथाई एमडीआरटी के लिए कोशिश कर सकते हैं, 1,90,000 के लिए कोशिश कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। 10% एमडीआरटी के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है। सो एक्टिविटी हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमारी कार्ड के अंदर हमारी जेब के अंदर ढेर सारे हमारे विजिटिंग कार्ड हों, आपका यदि कार्ड पुराना हो गया तो नया बनवा लीजिए, नहीं है तो बनवा लीजिए, ये सब एक्टिविटी जरूर करें। जब आपको पोस्टपोन करता है कोई कस्टमर तो आप क्या करते हैं, आपने किसी को इंश्योरेंस समझाया उसने पोस्टपोन किया तो आप क्या करते हैं, उसने पैसा नहीं दिया तो भी आपने किसी को इंश्योरेंस समझाया, दो काम होंगे, या तो पैसा मिलेगा या तो पैसा नहीं मिलेगा, तो इन दोनों में से एक काम हो गया कि भाई आपको पैसा मिल गया ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना, फिर तो आपका काम बन गया। लेकिन आपको पैसा नहीं मिला फिर क्या करेंगे, पैसा नहीं मिलने की सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं, आप बता सकते हैं पैसा नहीं मिला आप क्या करते हैं, आपने पैसा मांगा पैसा नहीं मिला, उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या है, आप बता सकते हैं, बताना चाहेंगे कोई भी, क्या करते हैं? पैसा नहीं है तो फिर क्या करते हैं, पैसा नहीं मिला उसने कोई ना कोई कारण बता दिया कि भाई इस वजह से मैं पैसा नहीं दे सकता, तो आप उसका सलूशन क्या करते हैं, उठ के चले जाते हैं या बैठे रहते हैं या तो कोई जवाब देते हैं या तो क्या करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? फाइन सर, हाउ आर यू सर? उस सिचुएशन में बोलते हैं कि सर जैसे आज इशू है कि आपका फंड नहीं है, तो सर मे बी सेम सिचुएशन फ्यूचर में ना आए, इसके लिए जो आपके पास फंड है उसमें से अगर ऐसा तो है नहीं कि आपका कुछ भी नहीं होगा, तो उस 10 रुपए में से 1 रुपए बचा लीजिए जो फ्यूचर में एटलीस्ट जो सिचुएशन से आप आज गुजर रहे हैं आपको फ्यूचर में ना गुजरना पड़े। जी जी जी, ठीक है, अच्छी बात है। कई बार होता है कि फंड नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है, फंड नहीं है का मतलब है कि आपके लिए फंड नहीं है। अभी उसी को मान लीजिए कोई और इमरजेंसी आती है, मान लीजिए हॉस्पिटल में इमरजेंसी आती है, कोई बच्चे ने बोला नहीं जी मेरे को कोई उसके लिए टॉय चाहिए, कोई बच्चे को किताबें दिलानी है, तो उसके पास फंड जरूर आ जाता है, तुरंत आ जाता है। हमारे पास फंड नहीं है तो हम ढेर सारे जवाब दे सकते हैं, हम दो सोल्यूशन हमारे पास है, एक तो हम वहां से खाली हाथ उठें के अलावा हम उसके लिए पूरा कोशिश कर सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ उस इंसान की कुछ ना कुछ उस प्रोस्पेक्ट की मदद करें कि वो कुछ ना कुछ ले पाए, क्योंकि वो लेना तो चाहता है लेकिन फंड नहीं है या तो कुछ ना कुछ समस्या है, इस वजह से समस्या के कारण वो नहीं कर पा रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ इसका सलूशन निकाल के उसको देना पड़ेगा। यदि हमने उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के दे दिया तो हमारा सेल वहां पर बन सकता है। हमारे पास कुछ साथी हैं जो कि क्या करते हैं, फंड नहीं है तो एक्नॉलेजमेंट ले लेते हैं, कि आपकी स्क्रीन पर एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, आपको कोई साथी इसको इसका मीनिंग इसको बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, या तो आपने इसका इस्तेमाल किया, मैंने पहले भी आपको दिया था ये, तो क्या आपने किसी ने इसका इस्तेमाल किया, या तो मैं आपको एक बार पढ़ के बताऊं कि इसके अंदर क्या है। इसको हिंदी में यदि ट्रांसलेशन करते हैं एक्नॉलेजमेंट, आपने पूरा कोशिश कर लिया, समझा लिया, पैसा नहीं है, कल आना, परसों आना, बीवी से पूछूंगा, इंश्योरेंस में मैं यकीन नहीं करता है, वकील कार कंपनी है, ढेर सारे कोई भी रीजन हो सकते हैं, पैसा नहीं मिला तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपका नाम आ गया, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, कोड नंबर आ गया आपका, एक्सप्लेन टू, इन्होंने मेरे को एलआईसी का पॉलिसी का फायदा पूरा बता दिया, इतनी तारीख को बता दिया, 19 मार्च 2021 को बता दिया, सुबह 9:07 पर इन्होंने मुझे बता दिया। अभी लोकेशन उसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है द्वारका हो सकता है पाला, अभी आपने वहां पे उस क्लाइंट को बता डाला कि सर ये मेरा ये ऐसा है एंड मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, मैं बाद में लूंगा, अभी नहीं ले रहा हूँ, बाद में लूंगा। क्यों बात नहीं लूंगा, यहाँ पे उसका कारण आ जाएगा, मान लीजिए फंड नहीं है, या तो वाइफ से पूछना है, या तो कल आना, या तो 1 तारीख को आना, या तो सैलरी मिलने के बाद आना, ऐसा करके यहाँ पे रीजन आ गया। आई प्रॉमिस टू बी हेल्दी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी एंड वेल्दी, एंड मेरे पास पैसा भी होगा टिल द टाइम आई परचेज एन एफ लाइफ, जब तक मैं LIC का पॉलिसी नहीं खरीदूंगा तब तक मैं हेल्दी भी रहूंगा, वेल्दी भी रहूंगा, मेरे घर के जितने भी प्यारे प्यारे लोग हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो मैं उन सभी को प्रॉमिस क्या कर रहा हूँ कि मैं हेल्दी भी रहूंगा, वेल्दी भी रहूंगा,
और किसी की जिम्मेदारी ना ठहराई जाए, यदि भगवान ना करे कुछ अनहोनी यदि मेरे साथ हो जाए तो किसी और की जिम्मेदारी ना किया जाए, क्योंकि मेरे पास तो धर्मेंद्र कुमार भी आए थे, इन्होंने मुझे बताया भी था, इतनी तारीख को आए थे, इस जगह पर आए थे, इन्होंने मुझे बताया भी था, और ये सब बातें समझ के मैंने नीचे सिग्नेचर भी कर दी। क्या इस तरीके का रसीद आप किसी को देकर आए? या रसीद सर, मैंने नहीं दिया है, मैंने किसी को नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया। अच्छा, यदि हम इस तरीके के रसीद का इस्तेमाल करेंगे तो कैसा रहेगा? इससे सर बहुत अच्छा रहेगा। मैंने देखा कि जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनका सेलिंग डबल हो गया आदमी से। जी सर, मैंने ये देखा है कि जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनका सेलिंग डबल हो चुका है। पहले यदि उनके वाणिज्य 100 लोगों के पास जाते थे, या चलो 10 की बात करते हैं, मान लो 10 लोगों के पास जाते थे, 10 में से एक आदमी खरीदता था, 9 लोग नहीं खरीदते थे, अभी क्या हो रहा है 10 में से 5 खरीद रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कि नहीं खरीदेंगे, फिर भी आपका एक भी एक्स्ट्रा आदमी ने खरीदना शुरू कर दिया तो आपका चक्कर बच गया। ये नहीं, इससे सर दोनों फिट होगा, इससे सर बहुत दोनों फिट होगा। हाँ, हिट होएगा ना, यही इसका मकसद है। आपको लगता है आपके क्लाइंट को अंग्रेजी समझ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले एजेंट जहाँ पे लिखा है वहां पे अपना नाम भर लीजिए, यहाँ पे कोड लिखा है अपना कोड भर लीजिए, और डेट तो उसी सामने भरनी है, समय उसके सामने भरना है, और जगह उसके सामने भरनी है, और रीजन जो उसने बताया, उसने रीजन एक बताया, दो बताया, तीन बताया, चार बताया, मेरे ख्याल से यहाँ पर रीजन जो है ना एक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रीजन एक से ज्यादा होना। वैसे तो आमतौर पे लोग एक ही रीजन बताते हैं, क्या एक बताते हैं, दो बताते हैं? क्या लगता है, लोग रीजन एक बताते हैं, दो बताते हैं, या बताते हैं कि नहीं बताते हैं? क्या बात है, क्या नहीं खरीदने के रीजन सर? नहीं, अगर ना कराना होता तो रीजन तो उनके पास सर 100 होते हैं, 100 होते हैं ना, तो हमें क्या करना है, 100 के रीजन यहाँ पे ले लेने हैं उनसे। कभी बोलेंगे प्लान अच्छा, पैसे नहीं है, पैसे के लिए अगर बोल दो तो फिर बोलेंगे यार नहीं यार, इतना लंबा टाइम के लिए क्या करना है, पता नहीं इतना लंबा इनकम होगा नहीं होगा, मतलब ना लेने के लिए उनका 100 बहाने होते हैं। तो हमें ये 100 के 100 बहाने यहाँ पे लिख लेने, हमें क्या करना है सर, आप चिंता मत करो, मेरे पास ये लंबा कॉलम है, इसके अंदर आप बहाने, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे देखो 6 बहाने की तो मैंने लिस्ट बना ली, और अभी आप चिंता मत करो यहाँ पे रीजन आप मेरे को। अच्छा, पता है प्रॉब्लम, ये जो हमने बहानों की जो लिस्ट बनाई है ना, वो इस वजह से बनाई है क्योंकि लिस्ट बना ली तो उसके बाद आप उन बहानों को हैंडल कर सकते हैं, यदि आप उनको सुनो और चल दिए तो आप उनको हैंडल नहीं कर सकते। या तो आपने हैंडल कर लिया अपनी समझ से, जो भी आपको समझ आया बढ़िया तरीके से आपने उसको हैंडल कर लिया, लेकिन यदि आपके पास रिटर्न में होगा तो आप उसको और ज्यादा पावरफुल तरीके से हैंडल कर सकते। यस यस सर जी, तो ये मैंने आपको भेजा था व्हाट्सएप पर भी, मैंने ग्रुप में आपको भेजा था। हाँ, मैंने देखा, मैंने सेव भी किया हुआ अपने लैपटॉप में। हाँ, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। जिस भी आदमी ने नहीं खरीदा उसको कहना सर ये मेरे को ना ऑफिस में जमा कराना होता है, और सर ये फॉर्मेलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा, ऐसा कोई पर्सनल चीज कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी है, मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को ऑफिस की तरफ से उन्होंने बोला है सर ये आप जो भी नहीं खरीदते हैं तो उनका रीजन आप लेके आओ, तो मेरे को रीजन लेना है। तो आप, मैंने आपको देखिए समझाया, अब आप नहीं ले रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मेरे को रीजन दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, रीजन कई बार क्या होता है, ये सब एक्टिविटी करके ना हमको ध्यान आ जाता है इस आदमी को हैंडल कैसे करना है, हम उसको हैंडल कर लेते हैं। तो जितने भी टॉप एजेंट हैं, बहुत सारे टॉप एजेंट इस तरीके का फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप में से और कोई साथी इस्तेमाल कर रहे हैं क्या इस तरीके का फॉर्मेट? आप कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, फॉर्मेट कुछ नहीं है। मिश्रा जी आप कर रहे हैं, हरिराम जी आप कर रहे हैं, रविराज किशोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप करेंगे तो आपका सेल बढ़ने का पूरा पूरा संभावना है, ये वाला फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इससे बहुत ज्यादा सेल निकल के आ सकता है, और सेल तो तब निकलेगा जब हम ज्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे, ज्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट करना जरूरी है, तो थोड़ा सा ध्यान ये करिए कि हम ज्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट कर पाए, तो क्योंकि कॉन्टैक्ट किए बिना तो फिर आगे कोई बात बनती नहीं। तो कौन कौन चाहते हैं कि हाँ मैं आज से इसका इस्तेमाल शुरू कर रहा हूं, आप में से कौन कौन चाह रहे हैं? भेजा तो है मैंने आपको ऑलरेडी, तो नहीं है सर, है। हाँ जी, नहीं नहीं तो है, भेजा हुआ आपने, मैंने सेव है हमारे पास। ठीक है, बढ़िया, तो करेंगे क्या इस्तेमाल, शुरू करेंगे क्या? सर मैं कोशिश करूंगा।
ठीक है बढ़िया, ऑल द बेस्ट। इन पर्सन पर्सन को देख देख के कोशिश करूंगा, पहले स्टार्टिंग में एटलीस्ट एक दो बंदे से इस्तेमाल करना शुरू करूंगा दिन में एटलीस्ट। जितने भी टॉप एजेंट है उनको रिजल्ट आ रहा है, जब उनको रिजल्ट आ रहा है तो फिर इसका मतलब हमको भी आएगा ना। हम देखो प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार हमारा सेल क्यों अटकता है, क्योंकि हम अपना दिमाग उसमें डाल देते हैं। अच्छा हमारा दिमाग, हम तो टॉपर नहीं है, अब जो टॉपर लोग हैं उनका दिमाग से हमको चलना चाहिए, उनका सेल हो रहा है, उन्होंने कुछ अपना सिस्टम बना रखा है, उनका सेल हो रहा है, अभी उनको इम्प्लीमेंट करके तो देखें कम से कम, हम एक बार दो बार तीन बार चार बार दो बार दस बार कम से कम हम उसको इस्तेमाल करके देखें क्या होता है। क्या होता है कि हम इस्तेमाल करने के पहले ना हमारे दिमाग के अंदर ढेर सारे आइडिया आ जाते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, ये ठीक है कि नहीं है, इसको करने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, मना तो नहीं कर देगा, ये सब चीजें सोचने की बजाय हम इसको इस्तेमाल करके देखें तो हमें रियलिटी पता लगेगी कि इसको इस्तेमाल करने से होने वाला क्या है। माइंड में यही थॉट आता है कि कस्टमर को बुरा ना लगे कि मैं मतलब लिखवा रहा हूं उससे कि इसका पैसे नहीं है, तो बुरा ले लेता है। अच्छा सेल नहीं लग रहा तो बुरा तो आपको लग ही रहा है ना, तो आपको बुरा लगना अच्छी बात है या कस्टमर को बुरा लगना अच्छी बात है? कस्टमर को बुरा लगना चाहिए, कस्टमर को बुरा लगना चाहिए, हमें क्यों बुरा लगे? अच्छा तो अच्छा यदि मान लो उसको अच्छा लग गया, अच्छा मान लो यदि उसको अच्छा लग गया फिर क्या होगा? पॉलिसी बिक जाएगी जो नहीं बिक रही थी, बिक जाएगा ना, तो एक बार ट्रायल लेके देखने में क्या नुकसान है? आप ट्रायल वही वही मैं करूं क्या, वो फर्स्ट मीटिंग जिनके होगा उन सब से मैं कोशिश करूंगा साइन कराना। ठीक है बढ़िया, विनीता को मैंने प्रिंट आउट दे रखे हैं, मैंने और भी मेरे पास साथी कुछ आए थे तो मैंने उनको प्रिंट आउट दिए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि उसके बाद प्रिंट आउट वो पर्ची ले जाने के बाद उन्होंने उसका किया क्या, ये मुझे नहीं पता है। और इस्तेमाल करेंगे, देखिए मैं तो नए नए आइडिया ढूंढ ढूंढ के लाता रहता हूँ, लेकिन उन आइडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो आइडिया है वेस्टेज, है ना। तो इस्तेमाल करेंगे तो कुछ थोड़ा सा पता लगेगा कि उसके अंदर क्या रिजल्ट निकल रहा है। मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल प्रिपरेशन, ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी आपने इसके बारे में डिस्कशन किया है, इस टॉपिक के बारे में बातचीत हो चुका है। आपको क्या लगता है हमारा किस तरीके का मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल प्रिपरेशन होना चाहिए जब हम कस्टमर के पास जा रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी करके हम लोग जाने चाहिए? हम लोगों ने एक और भी टॉपिक किया था कल, हम वो कुछ लाइफस्टाइल का प्रेजेंटेशन किया था, बल्कि उसके लिए तो हमने डबल टाइम लिया था, 40 मिनट का टाइम एक बार ही था, 39 मिनट का टाइम दोबारा था, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? मतलब हमने उस डायरेक्शन में कोई शुरुआत किया या तो सिर्फ डिस्कशन बातचीत करी और बातचीत करके सब मामला खत्म हो गया, मतलब बातचीत की स्टेज से वो चीज आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जीवन के अंदर ढेर सारे नए आइडिया बातचीत की स्टेज पे खत्म हो जाते हैं, और बातचीत की स्टेज पे खत्म होने से नुकसान सभी का है। आज तक हमेशा जो हुई है उनसे हुई है, सिर्फ बातों से नहीं हुई है। कुछ लोग होते हैं ढेर सारी बातें करते हैं, बातें करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, एक्शन कुछ नहीं है। दूसरी तरीके के लोग हैं वो सिर्फ एक्शन ही एक्शन करते हैं, ज्यादा बातें बातें नहीं करते हैं, पर अगर कामों में लगे रहते हैं काम हो जाते हैं। तीसरे तरीके के लोग हैं थोड़ा बहुत बातें भी कर लेते हैं, सीख भी लेते हैं, सीखने की बात करते हैं। हम लोग कहाँ पर हैं, थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है। मनीष जी वेलकम, आपने कल अनाउंस किया था मेरे ख्याल से, आप आज कल आपने जो ब्रांच मैनेजर है इस पॉलिसी का प्रॉमिस किया हुआ था कि आज आप 30 पॉलिसीज कम्प्लीट करने वाले हैं। मनीष जी गुड मॉर्निंग। यस सर गुड मॉर्निंग सर, बस होने वाली है सर, नजदीक हूँ काफी। हाँ हाँ, तो मेरे को जो आपके डीएम हैं उन्होंने बताया कि मनीष जी जो हैं आज 30 पॉलिसी कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको आपका क्या कहाँ तक पहुँच गए, आप कहाँ तक क्या क्या चला, कितनी प्रोग्रेस हो गई या तो कितना डायरेक्शन कितना आगे बढ़ गए हो जाएगा आज, कितना नजदीक है, कितना आगे पहुँच गए? मतलब काफी नजदीक है सर, काफी नजदीक है। ठीक है अच्छी बात है, आप बताइए आपको किस तरीके का सपोर्ट का जरूरत है, क्या क्या आपको इसके अंदर हेल्प करूँ करके देना है जी? आखिरी के दिन बचे हैं, आप देखो साल जो है खत्म होने वाला है, पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर आज 19 मार्च हो गई है, आखिरी के 12 दिन बचे हैं, ओनली 12 डेज, सिर्फ 12 दिन बचे हैं। अब 12 दिन में क्लब मेंबरशिप भी करना है, 12 दिन में एजेंसी भी खत्म हो रहा है, 12 दिन के अंदर बोनस भी पूरे साल का लगेगा, जो आपका बोनस लगेगा पूरे साल का बोनस लेने का, आखिरी के 12 दिन बचे हैं, ये 12 दिन के अंदर जो कर लिया सो कर लिया, ये 12 दिन दोबारा पलट के नहीं आएंगे। MDRT भी करना है, जो भी करना है वो भी अभी किया जा सकता है, आखिरी के 12 दिनों में, इन 12 दिनों का थोड़ा सा आप यदि फायदा ले लेंगे तो आपका काम बढ़िया हो सकता है।
सो और कोई प्रोग्रेस आप बताना चाहेंगे, आपका क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्या कुछ नया चल रहा है, कुछ भी आप बताना चाहेंगे, आप बताना पसंद करेंगे क्या चल रहा है नया ताजा? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? नहीं तो हम लोग इमोशनल प्रिपरेशन के बारे में बात करें। हम जब कहीं पर भी जा रहे हैं तो पूरा मेंटली तैयार होकर, फिजिकली इमोशनली तैयार होकर हमें जाना चाहिए। तो क्या हम इसके बारे में शुरुआत कर लें? ये वाला हमारा छठे हफ्ते का था, तकरीबन मेरे ख्याल से तीन हफ्ते पुराना टॉपिक है। जो राजेश शिवोल जी वाला जो क्लास चल रहा था तो उसके अंदर धर्मेंद्र कुमार जी ऑलरेडी हैं, मैं भी हूँ, जयशेष कपूर जी भी हैं, तो बाकी के साथी नहीं थे। एक बार ये डिस्कशन करके देखते हैं, धर्मेंद्र कुमार जी यदि उस क्लास में थे तो शायद उनको भी रिवाइज हो जाएगा। और यहाँ पर 8 फरवरी लिखा है, 8 फरवरी मैं भी नहीं था सर। आप भी नहीं थे? अच्छा चलो ठीक है, फिर तो आपके लिए फिर तो स्टार्टिंग से ही है। हमने हमारी जो सुबह की जो जूम ट्रेनिंग होती है, जूम क्लास होती है, उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी इसके अंदर से काफी कुछ डिस्कशन कर चुके थे। अब मुझे पता नहीं है बाकी कितना ध्यान में रहा होगा, कितना ध्यान में नहीं रहा होगा, इसके बारे में नहीं ये सारे हम कवर कर चुके थे, हमने कर लिए थे कई सारे। और ठीक है, बार बार एक ही टॉपिक को करने से डिविजन हो जाता है, और ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान आ जाता है, लेकिन ध्यान ज्ञान आने से कुछ नहीं होता है। दुनिया में जब तक कोई एक्शन नहीं होता है तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता है। बाकी बातें हम जितनी मर्जी कर लें, बातों का कोई अंत नहीं। सो टेलीफोन ऑब्जेक्शन क्या क्या आते हैं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं, लोग क्या बोलते हैं? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, गिव मी अ कॉल बिफोर यू कम, आने के पहले मेरे को फोन करना। आप जिसका नाम ले रहे हो, जिसके नाम से आप मेरे को बता रहे हो, मैं तो उसको जानता ही नहीं। आप बोल रहे हो मिस गुप्ता ने आपका नाम बताया था, मिस गुप्ता ने मेरे को आपके पास भेजा है, मैं तो मिस गुप्ता को जानते ही नहीं। मैं जिस बाहर जा रहा हूँ, शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो आप मेरे पास मत आना। तो इन सब के जवाब हम लोग पहले से तैयार करके जाएंगे तो हम आसानी से इनको हैंडल कर पाएंगे। आई वॉन्ट बी फ्री एट द टाइम यू आर सजेस्टिंग। आपने बोला कि सर मैं कल शाम को 5 बजे आपको मिलना चाहता हूँ, मैं तो हुई नहीं उससे, मैं तो बिजी हूँ, मैं ऑफिस के अंदर मेरा क्लोजिंग चल रहा है, मार्च का क्लोजिंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। अपना ब्रोशर भेज दो, अपना इलस्ट्रेशन भेज दो, अपना पैम्फलेट भेज दो, अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ के चले जाओ, अपना जो भी आप इस प्लान के बारे में बताना चाहते हो सब कुछ भेज दो। आप मेरे पास आओगे, टाइम बर्बाद करोगे, मेरे को लेना देना तो नहीं। ये सारी बातें आपको सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती? मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। आपके यहां से एजेंट लोग पॉलिसी बेच के चले जाते हैं, उसके बाद शक्ल नहीं दिखाते, ये सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता? रिबेट कितना दोगे, डिस्काउंट कितना दोगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं किसी को नहीं मिल सकता आजकल, मेरे को कोविड हो गया है। अभी हमारे घर के अंदर वो बिटिया का शादी है, तो अभी हम उसके अंदर बिजी हैं, अभी हम इंश्योरेंस से बात नहीं करेंगे। अभी कोई होली आ रही है, तो होली के टाइम पर अभी हम होली के हमें अपने गांव जाना है, तो इसलिए हम इंश्योरेंस से बात नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे आई विल कॉल यू बैक, आप मेरे को नंबर बता दो, मैं कॉल कर लूँगा, फिर वो जिंदगी में कभी कॉल नहीं करता। आज का दिन शुभ नहीं है, आज इंश्योरेंस की बात करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। मैं सोचूंगा, आपने जो मेरे को बताया, जो आपने बताया इंश्योरेंस के बारे में बोला है, तो मैं सोचूंगा। मेरे पापा बीमार है, हॉस्पिटल में है, बाद में बात करो। हमारे यहाँ तो ये दुनिया भर की चीजें हैं, आपको इन सब को चीजों को सुनने को मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है, मिलता है, बढ़िया। तो हम इन चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएं, यही हमें सीखना जरूरी है। पीपल डोंट वांट इट, एलआईसी का पॉलिसी एक ऐसी चीज है कि जब उनको नहीं चाहिए तब उनको मिलता है, हम देने जाते हैं। और पीपल डोंट गेट इट व्हेन दे वांट इट, जब उनको चाहिए। अभी क्या हुआ मेरे को, अभी परसों अभी मेरे को किसी ने बोला, सर वो मेरे को ना मेडिक्लेम का पॉलिसी कराना है। मैं कहा अच्छा ठीक है, तो अभी ना डॉक्टर ने बोला उनका सर्जरी होना है। ऐसे थोड़ी ना होता है। सर्जरी के एक दिन पहले तुम मेडिक्लेम को पॉलिसी कराते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है, जब हमको मिल सकता है, जब हम हेल्दी हैं तो हम लेते नहीं हैं, और जब हमको चाहिए, अभी हमको पता है सर्जरी कराना है, डॉक्टर ने बोला है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, सर्जरी कराना है, फिर हम ढूंढते हैं, अरे कोई भाई मेरे को मेडिक्लेम करके दे दो। हमारा एक्सीडेंट हुआ है, हम मोटर इंश्योरेंस ढूंढते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद हम ढूंढते हैं यार कोई मेरी कार का बीमा कर दो, मेरे टू व्हीलर का बीमा कर दो, उस समय थोड़ी ना कोई करता है। अच्छा पहले हम लोग कहते हैं छोड़ना यार, आज नहीं तो कल कराएंगे, फिर वो एक्सपायर हो जाता है। एलआईसी का भी ऐसा ही है, मरने के बाद आपको आज तक कभी ऐसा हुआ मरने के बाद आपको फोन आया, हाँ इनका ना पॉलिसी करना है? आपने कहा ठीक है कर देते हैं। तो आपने उनके बारे में जब डिटेल पूछा तो क्या बोलते हैं,
वो उनका डेथ हो चुका है, अभी एक घंटे पहले ही डेथ हुआ है, ऐसा आपको सुनने को मिला कभी? नहीं सर, नहीं सुनने को मिला। ज्यादा लोगों को मिलेंगे, सुनने को मिलेगा, मेरे को सुनने को मिला, मेरे को सुनने को मिला मरने के बाद। वो हेलो ये इनका वो पॉलिसी कराना है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, कितने का कराना है? 1 करोड़ का कराना है। मैंने कहा ठीक है कर देंगे, तो आप इनका डेट ऑफ बर्थ बताइए और आप इनका वो दे दीजिए मेरे को आधार कार्ड, वो भेज दीजिए। तो लेकिन वो एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ जी क्या प्रॉब्लम है? वो ना डेथ हो गया अभी इनका, 1 घंटे पहले ही डेथ हुआ है। भाई ये क्या कर रहे हो यार, डेथ होने के बाद थोड़ी ना होता है, जिंदा आदमी का भी मौत है, मरने के बाद नहीं होता है। सो ऐसा भी होता है, ऐसा भी लोग करते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्शन क्यों, अलग अलग तरीके के बहाने क्यों मारते हैं हम, किस तरीके से बात की शुरुआत करते हैं, है ना? जैसे अभी मैंने हरिराम जी के बारे में बताया कैसे वो तो मैंने हरिराम जी के बारे में बताया कि किस तरीके से बातों की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम होटल के अंदर गए, उड़ेपल रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर हमने बोला वहां पे जाके सर कोई LIC का सर्विसिंग का काम हमको बताना, तो ये हमारा स्क्रिप्ट है, ये हमारा पहला डायलॉग है। अब यदि हम बात की शुरुआत इस तरीके से करेंगे, हमने विजिटिंग कार्ड दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमारा पहला डायलॉग में क्या था, सर कोई सर्विसिंग का काम हो तो बताना। अभी सुनने वाले हरिराम जी ने 3 लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड दिया उड़ेपल होटल के अंदर, मार्केटिंग मैनेजर को, रिसेप्शनिस्ट को, और वो जो वहां पर जो हेड जो वहां पर था, 3 लोगों को दिया। लेकिन उन 3 लोगों के साथ समस्या क्या हो गया, वो बेचारे कंफ्यूजन में चले गए। उनको लगा यार सर्विसिंग का काम होगा तभी बताना है, सर्विसिंग के अलावा कुछ नहीं बताना है, ये थोड़ा सा वो बेचारे डाउट में हो गए। तो हमें स्क्रिप्ट के अंदर अपना, हम लोग, हमारा पहला डायलॉग क्या होता है जब हम किसी नए आदमी को बीमे की बात करते हैं, हमारा पहला डायलॉग क्या होता है, क्या होता है जरा बताइए ना, आपका पहला डायलॉग क्या होता है जब आप किसी को बीमे की शुरुआत करते हैं? आपने आज किया किसी को, कल किया किसी को, परसों किया किसी को, जब आप इंश्योरेंस के लिए शुरुआत करते हैं, पहला डायलॉग क्या बोलते हैं? फर्स्ट डायलॉग क्या बोलते हैं इंश्योरेंस की शुरुआत करते वक्त? पहला डायलॉग क्या होता है आपका? सर कहीं पॉलिसी की जरूरत हो तो बताना, ये बोल सकते हैं। ये ना थोड़े से खतरनाक नहीं है, नहीं है खतरनाक डायलॉग है, मतलब ऐसे डायलॉग में ठीक है, आपको पॉलिसी आपका सेल होता है, नो डाउट आपका सेल होता है, लेकिन ऐसे डायलॉग में खतरा क्या है बताइए सर? हम बोल सकते हैं अभी बहुत अच्छी स्कीमें चल रही हैं। नहीं ये भी आपके ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हम और ज्यादा पावरफुल, और ज्यादा पावरफुल डायलॉग की बात कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी बात सुनने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा पॉलिसी खरीदने चाहिए, हम बात कर रहे हैं। बताइए मनीष जी पहला डायलॉग क्या होता है, हम बात की शुरुआत कैसे करते हैं? बोलिए सर। उसको देखते हुए उसके हिसाब से 10-20 लाख की बोल सकते हैं कि सर 20 लाख दिलाना चाहता हूँ। आप मेरे को एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो, मेरे को डायलॉग बताओ ना, पहला डायलॉग क्या है? पहला डायलॉग आप किसी भी आदमी को इंश्योरेंस के लिए या तो फोन पर बात कर रहे हो, या तो वीडियो कॉल पर बात कर रहे हो, या तो पर्सनल मीटिंग कर रहे हो, पहला डायलॉग क्या है आपका? पहला डायलॉग, पहला वाक्य, पहला सेंटेंस के अंदर यदि दम नहीं होगा तो आपका वो मीटिंग आगे कहीं पहुंचेगी नहीं। फिल्म के अंदर हीरो की एंट्री होती है, पहला डायलॉग हीरो बोलता है, पूरे हॉल के अंदर तालियां बज रही होती है, उसने पहला डायलॉग ढीला डाला बोला, पब्लिक को मजा नहीं आता। आप भी अपने कस्टमर के लिए हीरो हो, या तो विलेन हो, या तो हीरो हो या तो विलन हो। हमें कस्टमर के सामने हीरो बनना है कि विलेन बनना है, ये टोटली हमारी चॉइस है। एक हीरो एक दिन में हीरो नहीं बनता है, वो जिंदगी में बहुत मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, सीख के, समझ के, कई सारी फिल्में पिटने के बाद तब जाके हीरो बनता है। हम हर एक कस्टमर के सामने या तो हीरो बन सकते हैं, या तो विलेन बन सकते हैं, या तो भूले बिसरे गीत बन सकते हैं। हमें क्या बनना है, हीरो बनना है कि विलेन बनना है कि भूले बिसरे गीत बनना है? पहला डायलॉग आप बताइए ना रविराज जी, आज का, कल का, परसों का, किसी भी कस्टमर का बताइए ना, पहला डायलॉग आपने क्या बोला था? जब भी आपने किसी को इंश्योरेंस का बात किया था, या तो फेस टू फेस मीटिंग किया था, या तो फोन पर आपने किसी को कॉल किया था अपॉइंटमेंट के लिए, या तो सेल के लिए, आपने पहला डायलॉग क्या बोला था? आप पुराने डायलॉग से काम चलाएंगे, पुराने डायलॉग से पुराने रिजल्ट ही आने वाले। अभी तक जिस तरह के रिजल्ट आपको अभी तक आते रहे हैं, तो पुराने डायलॉग से वैसे ही रिजल्ट भविष्य में भी आने वाले हैं, या तो शायद वैसे भी आएंगे या नहीं आएंगे, उनकी कोई गारंटी नहीं। आज यदि हम डायलॉग अपने इंप्रूवमेंट कर लेंगे,
तो भविष्य के अंदर आपका सेल की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा आपकी सेल की संभावना बढ़ सकती है। तो आप बताएंगे मेरे को, और कोई भी साथी बताना चाहे, पहला सेंटेंस आप क्या बोलते हैं पॉलिसी बेचने के वक्त? कुछ तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, आप बोल क्या बताना क्यों नहीं चाह रहे? मतलब यहाँ पर सारे घर के लोग हैं, कोई बाहर का आदमी तो है नहीं, आप सभी लोग पॉलिसीज बेचते हैं। हम लोग यहाँ पर 8 लोग हैं, ठीक है, 8 में से बाकी के 7 लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, एक तो मैं खुद हो गया, तो बाकियों को आपको सबको मैं पूछ रहा हूँ। तो आप मतलब आप जाके डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बोलते ही है ना, और उससे आपका पॉलिसी भी बिकता है, डेफिनेटली आपको अपॉइंटमेंट भी मिलता है, पॉलिसी भी मिलता है। लेकिन हम उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा पहला डायलॉग हमेशा ऐसा हो कि जिसके अंदर से सेल निकले। आप बताना चाहेंगे कि नहीं बताना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार नरेंद्र जी। सर वो कई बार सर डायलॉग से डिपेंड करता है कि सर हम इस क्लाइंट से, सर डायलॉग से डिपेंड करता है सर। हाँ जी जी, कल का बताइए, आज का या कल का, परसों का, कोई भी एक बताइए। जैसे सर जैसे सर मैक्सिमम सर क्या होता है सर, जैसे सर हम उसको सर मैच्योरिटी से स्टार्ट करते हैं किसी डिपेंड को, सर मैं आपको सर एक बात की एक्सप्लेनेशन, एक्चुअल आपने क्या बोला, आपके मुंह से पहला सेंटेंस क्या निकला, जब भी आप किसी आज के बारे में या कल के बारे, कल आप किसी को मिले आप बताइए ना क्या बोला आपने, पहला सेंटेंस क्या बोला? सर अभी मैं सर कल की बात कर रहा हूँ सर, कल शाम की बात कर रहा हूँ। उनको सर मैंने जाके बोला कि सर आपकी बिटिया की शादी में सर 11 लाख रुपए सर गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, तो सर उसके बारे में सर मैं बात करना चाहता हूँ उससे। जी जी। तो उन्होंने सर बोला कि हाँ बताइए क्या है, कैसे तो आगे मैं सर डिटेल किया। जी ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोग पहला सेंटेंस की शुरुआत जब भी करें, हम इतना ज्यादा पावरफुल हमारा सेंटेंस होना चाहिए कि उसके बाद कस्टमर हमारी बात सुनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऑफिस के अंदर टेबल पर एक लेडी आई, सर मेरे को ये सरेंडर फॉर्म में विटनेस करानी है। अच्छा समझो आपके पास इस तरीके से, आप दफ्तर पे बैठे हो, आपके पास कोई लेडी आए तो आप क्या करोगे? सर मेरे को सरेंडर फॉर्म में विटनेस करानी है। अभी उसने बोला, मैंने पहला सेंटेंस नहीं बोला, उसने पहला सेंटेंस बोला, सर मेरे को ये सरेंडर फॉर्म में विटनेस करानी है। भाभी जी को नमस्कार, भाभी जी नमस्ते, नमस्कार जी, नमस्ते, क्या नाम भाभी जी? जी नहीं, आप नाश्ता बना लीजिए, आप नाश्ता बना लीजिए जी, आप अपना नाश्ता वगैरह वो सब बना लीजिए जी। जी नो प्रॉब्लम जी, ठीक है, आपको देख के अच्छा लगा जी, थैंक यू, आपको देख के अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। सो बढ़िया, सो जी, तो नरेंद्र जी आपके पास यदि मान लीजिए इस तरह की लेडी आई होती तो आप क्या करते? ऑफिस में लेडी आई है, कहती है सरेंडर के फॉर्म पे आप विटनेस कर दीजिए। मैंने उसका क्या किया, मैंने कहा मैंने विटनेस नहीं किया, मैंने उसको पहले पूछा मैडम विटनेस आपको क्यों कराना है? कहती है मेरे को पॉलिसी सरेंडर करना है। मैंने कहा आपको सरेंडर क्यों करना है? कहती है मेरे को ना ये पेंशन लेना था, तो अभी ये लोग बोलते हैं कि नहीं आपका वो मार्केट प्लस के अंदर 1.5 लाख से कम होता है तो हम पेंशन नहीं देंगे। मैंने कहा आपको पेंशन लेना है? कहती है हाँ। मैंने कहा आपका इसके अंदर पैसा कितना बन रहा है? कहती है मुझे नहीं पता। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। मैंने चेक किया 1,24,000 बन रहा था। मैंने उसको क्या बोला, मैडम आपको पेंशन चाहिए ना? कहती है हाँ। मैंने कहा पक्का चाहिए? कहती है हाँ। मैंने कहा आपको पेंशन दे दूं? कहती है हाँ। मैंने कहा देखो 1,24,000 बन रहा है ना? कहती है हाँ। मैंने कहा बाकी के 26 भरोगे? कहती है हाँ। मैंने कहा दो, उसने मेरे को 26,000 रुपये कैश दे दिए। मैंने कहा बाकी का 1,24,000 मैं आपको पेंशन में डाल दूं? कहती है हाँ। मैंने कहा विनीता रीइन्वेस्टमेंट का फॉर्म दो, तने दिया। मैंने कहा मैडम साइन करो, उसने किया। मेरे सामने अग्रवाल जी बैठे थे, उस समय मेरे पास अकेले सिर्फ एक ही एजेंट बैठे थे, अग्रवाल जी, अनिल अग्रवाल। मैंने अग्रवाल जी को कहा, मैंने कहा ये मैडम देखो 1.5 लाख का पॉलिसी मैंने बेच डाला है, मैंने पेंशन पॉलिसी इनका कर दिया 1.5 लाख का, अब आप ऐसा करो फॉर्म भर लो। उन्होंने भर लिया। अब वो जब चली गई तो मेरे को पूछते हैं जीवन शांति होता क्या है? उसके जाने के बाद मेरे को पूछते हैं जीवन शांति क्या होता है? मैंने कहा वो तो चलो ठीक है बता देंगे आपको, लेकिन आप भर लो। अभी भर के अब इसको डाल दिया ना, अभी क्या करते हैं हम लोग, हमारा मेरे ख्याल से आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं, तो शायद हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे।
लेकिन शायद आपको अच्छा लगा होगा पहले सेंटेंस के बारे में ये सब बातें हमने करी, और विश यू ऑल द बेस्ट। हम लोग कल दोबारा से शुरुआत करेंगे, हमने ढेर सारी अलग अलग तरीके की बातें करने की कोशिश करी कि जो कि आपके काम आए, जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकें, तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकें। कल सुबह 8:50 दोबारा से मिलेंगे, और यदि आप आएंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। कल सुबह दोबारा से मुलाकात करते हैं। आज का जो सेल है उस पर ध्यान दीजिए कि आपका कुछ ना कुछ सेल होना चाहिए, और मीटिंग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी चीज सीखे हमने कहीं से भी सीखा, चाहे यहाँ से सीखा कहीं से भी सीखा, उसका यदि इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज सीख के